ओम शांति। 18 जनवरी का दिन ब्रह्मा कुमारीज के इतिहास में एक विशेष महत्व का दिन माना जाता है। इस दिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा, जो कि स्वयं निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा के माध्यम बने, उन्होंने अपनी भौतिक देह को त्यागा था और संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया था। ये हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा को विभिन्न धर्मों के अंदर आदि देव, आदि नाथ, एडम और आदम के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा की मत भी बहुत मशहूर मानी जाती है, इसी कारण से उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता भी माना जाता है। हमें ये बताते हुए हर्ष होता है कि जितनी भी ये मान्यताएं शास्त्रों के अंदर आती है, ये इन्हीं ब्रह्मा के विषय में है। तो आइए आज ब्रह्मा से संबंधित कुछ यादगारों की हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। लोगों की ये मान्यता है कि ब्रह्मा ने ही पहले इंसान को बनाया था, परंतु उनकी ये मान्यता सत्य नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो ब्रह्मा इस मनुष्य सृष्टि के एक साधारण मानव होते हैं। कारण उसका ये होता है कि वो कलयुगी सृष्टि का फल चखने के कारण, अर्थात विकारों में इंडल्ज होने के कारण, बहुत तमोप्रधान विकारी बन जाते हैं। ऐसे समय पर परमात्मा उन्हें ईश्वरीय मत देते हैं और उस मत के आधार पर वह अपने अशुभ संकल्पों को शुभ संकल्पों में परिवर्तित करते हैं। इसी कारण से उन्हें सृष्टि का सृजनहार भी माना जाता है। हम शास्त्रों में ये बात भी पढ़ते हैं कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा का अवतरण होता है, और यदि हम आगे चलें तो हम ये पाते हैं कि ब्रह्मा को साधारण दिखाया जाता है, दाढ़ी मूछ वाला दिखाया जाता है। अब दाढ़ी मूछ का मतलब ये नहीं है कि वो कोई दाढ़ी मूछ वाले ही होते हैं। कहने का भाव ये है कि वो एक साधारण इंसान है और उनके दाढ़ी और मूछ जो दिखाए जाते हैं उनकी मैच्योरिटी का, परिपक्वता का सिंबॉलिक है। और साथ साथ ब्रह्मा का कहीं भी मंदिर ना होकर केवल एक ही अजमेर में मंदिर है, जहां पर ब्रह्मा की कभी पूजा नहीं होती है। कारण यही होता है क्योंकि ब्रह्मा इस मनुष्य सृष्टि के एक मानव ही होते हैं। ब्रह्मा को चार मुख वाला दिखाया जाता है। अब ब्रह्मा को चार मुख दिखाने का क्या भाव है, जबकि वो एक साधारण पुरुष होते हैं। इसका यही भाव है कि वास्तव में परमात्मा ने उनको जो दिव्य ज्ञान दिया, वह ज्ञान उन्होंने सभी मनुष्य आत्माओं के साथ शेयर किया और पूरे विश्व की आत्माओं तक वह ज्ञान पहुंचा। यदि हम ब्रह्मा शब्द को लें तो भी इस बात का पता लगता है कि वास्तव में परमात्मा एक साधारण तन में ही प्रवेश करते हैं, जिनका नाम बदल कर ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा शब्द ब्रह धातु से बना है, जिसका मतलब होता है कि मुख के शब्द के द्वारा उच्चारण एवं प्रसारण। उन्होंने जो भी कार्य किया, अपने मन के अंदर जो भी संकल्प आए, उनको अंदर में श्रेष्ठ बनाया और फिर इस दुनिया के अंदर उस ज्ञान का प्रसार किया और लोगों तक वह ज्ञान पहुंचाया। ये भी मान्यता हम जानते हैं शास्त्रों के अंदर आती है। शिव पुराण में ये बात कही गई है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने का क्या भाव है? कहानी के अंदर ये बताया जाता है कि जब ब्रह्मा और विष्णु में आपस में विवाद खड़ा हो गया कि दोनों में कौन बड़ा है, तो उनके इस विवाद को हल करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उन्होंने विष्णु को ब्रह्मा से श्रेष्ठ बताया और ब्रह्मा को ये कहा कि तुम ऐसा बनने का पुरुषार्थ करो। तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मा ही विष्णु की आत्मा है, और विष्णु की आत्मा ही जब विकारी बन जाती है तो वह फिर ब्रह्मा के रूप में आ जाती है। एक और कथा के अनुसार ये बताया जाता है कि जब ईश्वर शेषनाग पर शयन कर रहे थे, तो ऐसे समय पर उनके मन में यह संकल्प आया कि मैं सृष्टि का सृजन करूं। अब यदि हम शेषनाग का भी अर्थ लेते हैं तो शेष का मतलब होता है बचा हुआ और नाग का मतलब होता है समय। माना शेष जब थोड़ा सा समय बच जाता है, जब कलयुग की दुनिया जाने वाली होती है
और सत्युगी दुनिया आने वाली होती है, तो जो उन दोनों के बीच का समय होता है, ऐसे समय पर परमात्मा इनके तन में, जो कि दादा लेखराज के नाम से इस मनुष्य सृष्टि में एक साधारण इंसान के रूप में होते हैं, उनके तन में प्रवेश करते हैं और हम मनुष्य आत्माओं को पुनः नर से नारायण बनाने का कार्य करते हैं। ब्रह्मा की बहुत सी यादगारें दिखाई जाती हैं। ब्रह्मा को हम देखते हैं ताज पहना हुआ दिखाते हैं। ताज किस बात का सिंबॉलिक है? ताज भव्यता का सिंबॉलिक है कि उन्होंने अपने जीवन के अंदर भव्यता को लाया, रॉयल्टी को लाया और वह उनके जीवन से वर्तमान समय उनके कर्मों में, उनके संस्कारों में परिवर्तन के कारण से दिखाई पड़ती थी। इसी प्रकार से उनकी आंखें खुली दिखाई जाती हैं। यह भी इस बात का सिंबॉलिक है कि उन्होंने ज्ञान के नेत्र को सदा खोल करके रखा था, क्योंकि जब हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं, तो उस समय यदि हमारा परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण ज्ञान युक्त होता है, तो हम हर बात को बहुत सहज रीति से हल कर लेते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उनको श्वेत वस्त्र धारी दिखाया जाता है, जो कि प्यूरिटी और पीस का सिंबॉलिक है। जितना हमारे जीवन के अंदर पवित्रता का संचार होता जाता है और मन में शांति आती चली जाती है, तो हमारे अंदर में पवित्रता की धारणा बढ़ती चली जाती है और इसी को ही श्वेत वस्त्र के द्वारा दिखाया जाता है। इसी प्रकार उनको यज्ञोपवित धारण किए हुए दिखाया जाता है, जो भी पवित्रता का सिंबॉलिक माना जाता है। और कोई भी जब श्रेष्ठ कर्म किया जाता है, तो ऐसे समय पर श्रेष्ठ संस्कार के समय इसको पहनाया जाता है। हम देखते हैं कि उनके चार हाथ दिखाए जाते हैं। चार हाथों में पहले हाथ के अंदर ग्रंथ दिखाए जाते हैं। ग्रंथ किस बात का सिंबॉलिक है? ग्रंथ का दिखाना इस बात का सिंबॉलिक है कि उन्होंने वेद शास्त्रों का निचोड़ दुनिया के सामने रखा। वह था कि अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो और देह के धर्मों को, जिसके अंदर आज हम फंस जाते हैं, उनको भूलो, तभी हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो यह सार परमात्मा ने उनके द्वारा सभी मनुष्य आत्माओं को सुनाया। इसी कारण से उनके हाथ में ग्रंथ दिखाए जाते हैं। उनके दूसरे हाथ के अंदर कमंडल दिखाया जाता है। कमंडल किस बात का प्रतीक है? कमंडल इस बात का प्रतीक है कि उसमें जल होता है। माना जल ज्ञान को भी कहा जाता है। ज्ञान जल के द्वारा जो आत्मा दुनिया में रहते हुए अज्ञान की तरफ चली जाती है और ज्ञान की बातों से दूर हो जाती है, तो परमात्मा ने जो ज्ञान अमृत सभी को पिलाया, उसके द्वारा उन्होंने सभी को सुचार किया। तीसरे हाथ में उनके जपमाला दिखाई जाती है। जपमाला इस बात का प्रतीक है जिसके 108 मन के होते हैं और इस बात का सिंबॉलिक है कि उन्होंने 108 बुराइयों को अपने जीवन से निकाला। इसी कारण से हम देखते हैं कि जब किसी भी गुरु को उपाधि दी जाती है, तो जगत गुरु 108 की उपाधि दी जाती है। जो उनका चौथा हाथ दिखाया जाता है, वो वरद मुद्रा में दिखाया जाता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि उन्होंने सभी को अभय दान दिया कि जीवन के अंदर परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन परिस्थितियों को हंसते हंसते झेलना है। हमें घबराना नहीं है। हम शक्ति हैं, हम पांडव हैं, हम परमात्मा की संतान हैं। तो इस प्रकार की बातों की धारणा से उन्होंने लोगों के अंदर में बल भरा। और यदि हम आगे चले तो हम देखते हैं कि उनके साथ में हंस दिखाया जाता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि हंस मोती चुगता है। उन्होंने दुनिया में रहते हुए भी इतनी आत्माओं के संपर्क में आते हुए उन्होंने हर एक के अंदर विशेषता को देखा और विशेषता को देखने के कारण से वो हर एक के साथ रिलेशनशिप में, संबंधों में एक बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ पाए और सबके साथ वो निभा पाए। उनके नीचे दो कमल दिखाए जाते हैं, जो एक सफेद रंग का होता है, एक लाल रंग का होता है, जो भी इस बात का प्रतीक है कि सफेद रंग शांति का, पवित्रता का प्रतीक है और लाल रंग जो है वो जीवन में रहते हुए उन्होंने कभी भी वैराग्य प्रतीक को धारण नहीं किया, लेकिन उन्होंने दोनों का बैलेंस रखा,
राज ऋषि रूप से चले, इसी कारण से दो प्रकार के कमल उनके साथ दिखाए जाते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनको विशेष मुद्रा में बैठे हुए दिखाया जाता है, जो इस बात का सिंबॉलिक है कि वो दुनिया में रहते हुए स्टेबल रहे, किसी भी परिस्थिति में हिले नहीं। तो ये सारी बातें जो प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार में दुनिया में दिखाई जाती है, ये प्रजापिता ब्रह्मा जो दादा लेख राज के रूप में वर्तमान समय हुए और जिन्होंने अपने जीवन में परफेक्शन प्राप्त की, उनका ही सिंबॉलिक यादगार है। तभी उन्हें आरंभ में विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ था और स्वयं विष्णु ने उन्हें ये वरदान दिया था, अहम विष्णु चतुर्भुज तत्त्वम, तुमको ऐसा बनना है। और इसी कारण से ब्रह्मा को स्वयं भू भी कहा जाता है। स्वयं भू का मतलब कि वो धरती पर जब थे तो वो उस नाम रूप से नहीं थे, लेकिन वो दूसरे नाम से थे। और फिर जब परमात्मा उनमें प्रवेश करते हैं, स्वयं वो भूमि पर आकर उनमें जब प्रवेश करते हैं और उनको जब अपना माध्यम बनाते हैं, तो उनका नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा। भक्ति मार्ग के अंदर जो प्रजापिता ब्रह्मा की यादगार दिखाई गई है, वह इन प्रजापिता ब्रह्मा जो कि दादा लेखराज के रूप में हुए, उनके ऊपर सत्य घटित होती है। यदि हम थोड़ा सा इस ज्ञान की गहराई में जाएं, तो हम अपने जीवन की बहुत सी बुद्धियों को सुलझा सकते हैं और अपने जीवन के अंदर ज्ञान और योग की अनुभूति करके अपने जीवन को बहुत सरल बना सकते हैं। ओम शांति।